बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे अल्लाह करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और ये जो है ये दिन का टाइम है और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और आज पकाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो फिर मैंने बाहर से थोड़ी सी तोरियाँ तोड़ी और जो है ना एक दो वो थे बैंगन थे और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, और आज मैंने कहा चलो इसको मिक्स करके सब्ज़ी बनाती हूँ। और मुझे इस किस्म की मिक्स सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बहुत बनाया करती थी, बस मैंने भी अम्मी को ही देखा था। और ये जो होती है बड़ी सिंपल सी रेसिपी होती है लेकिन बहुत मज़े और जो है ना टेस्टी होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ एक नई डेकोरेशन के साथ हाजिर हुई हूँ, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और इस वक्त जो मेरे चैनल पे जो बिल्कुल नया आया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और ताकि जो है ना आप मेरे साथ जुड़ जाएं। और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनके लिए बहुत 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 खुश आमदेद, वेलकम मेरे चैनल में। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मेरी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आप देख पाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चले अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, और साथ साथ मैं ये जो मिक्स सब्ज़ी ये भी पका रही हूँ। और टॉपिक जैसे कि मेरे आजकल टॉपिक चल रहे हैं क्लीनिंग मोटिवेशनल टॉपिक चल रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जो है ना कम कीमत में हम घर को कैसे डेकोरेट कर रहे हैं। और साथ में आजकल आपको गाँव की ग्रीनरी भी दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल मैं गाँव में आई हुई हूँ, तो साथ साथ ये भी चल रही है। और सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है तकरीबन, और जो मैं सब्ज़ मिर्च का जो तड़का होता है वो लाजमी लगाती होती हूँ। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इंसान जो है ना, बस इंसान के पास लगन होनी चाहिए। ये नहीं होता कि हमारे पास कीमती कीमती डेकोरेशन पीस होंगे और बहुत कीमती चीज़ें होंगी तो वो हम घर में यूज़ करेंगे तो हमारा घर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। नहीं, हम सस्ती चीज़ों से और पुरानी चीज़ें से भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बस सिर्फ लगन की ज़रूरत होती है। ये फूलों की जो बेल है ये जो है ना हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई थी और ये वहाँ पर बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन यह कि अब मैं ड्राइंग रूम को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है तो ये अब वहाँ पर इतनी ख़ास अच्छी नहीं लग रही थी, ये बेल भी अच्छी नहीं रखती। तो ये दोनों पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन ये बस ये कि मैंने इनकी जगह चेंज की है। आप चीज़ों की जगह भी चेंज करेंगे तब भी आपका घर जो है ना वो एकदम खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो फूल की टोकरियाँ ये भी अंदर लगी हुई थी, इनकी भी मैंने जगह चेंज की है, और जैसे ही मैंने इसकी जगह चेंज की ये एकदम न्यू लुक देना शुरू हो गई। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि बस चीज़ों की थोड़ा बहुत रद्दो बदल करनी है। जैसे कि ये मेरे पास एक डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है और इसको ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, तो इस पे ये कि पहले वो वाली शीट पड़ी हुई थी, अब वो वाली शीट मेरा दिल है कि मैं उतार दूंगी और इस पे जो है ना ये वाली वाइट शीट बिछा दूंगी। तो बस मैंने सिर्फ शीट ही चेंज की है, लेकिन ये कि डाइनिंग टेबल की एकदम जो है ना वो लुक चेंज होना शुरू हो गई है। तो इस तरह ये कि थोड़ी बहुत चेंजिंग किया करें और थोड़ी बहुत चीज़ों से आप अपने घर को खूबसूरत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार जाएं और बहुत सारी शॉपिंग करके लाएं और उससे घर को डेकोरेट करें। तो मेरा बस मकसद आपको यही बताना होता है और यही सिखाना होता है कि आप जो है ना थोड़ी बहुत चेंजिंग से आप अपने घर को जो है ना बहुत खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं। ये रनर जो था ये मेरे पास कब का पड़ा हुआ था, ये मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज ये वाला रनर भी यूज़ कर रही हूँ। ये रनर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये गाँव है और यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी है, और इस पर भी जो है ना इतने खूबसूरत रैबिट बने हुए हैं, तो ये मैंने कहा यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से जो है ना इनको इधर ले आई थी। फिर मैंने पहले मैंने दो मैट बिछाए, लेकिन ये डाइनिंग बहुत छोटा है तो इस वजह से जो है ना इसको मैंने हटा दिए हैं वो वाले मैट, और मैंने सिर्फ रनर का इस्तेमाल किया है। Thank you.
डाइनिंग एरिया से अब हम आते हैं बरांडे की तरफ। बरांडे में ये जो खिड़कियाँ हम लगाई हैं, इसको मैंने ये पर्दे लगाए हैं और ये पर्दे भी मैं पुराने लेके आई हूँ, और ये पहले मैंने पिंडी के घर में भी यूज़ किए थे और ये अम्मी के घर भी यूज़ हुए हैं, और फिर मैंने जो है ना ये इस गांव के ड्राइंग रूम में मैंने लगाए थे, यहाँ भी यूज़ हुए हैं, और अब मैंने जो है ना इसको यहाँ पे ले आई हूँ बरांडे वाली साइड पे। और जो है ना पर्दे लगने से, सिर्फ पर्दे लगने से मेरा जो है ना पूरा बरांडा इतना खूबसूरत और न्यू लुक देना शुरू हो गया, और बरांडा जो है ना बहुत प्यारा लगना शुरू हो गया। तो यही छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी रद्द बदल होती है, इससे हमारा पूरा घर जो होता है ना वो एकदम चेंज हो जाता है, और ज़हनी सुकून भी इंसान को मिलता है, क्योंकि चेंजिंग जो होती है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। ज़िंदगी में चेंजिंग लाजमी किया करें, क्योंकि छोटी मोटी चेंजिंग से जो है ना आपका जो दिमाग होता है वो एकदम फ्रेश हो जाता है। ये हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चेंजिंग लेके आया करें, ऐसे लकीर के फ़कीर ना रहा करें कि जो है ना जो चीज़ें शुरू से हम यूज़ करते आ रहे हैं बस इसी तरह यूज़ होती रहे, नहीं इसके अलावा भी जो है ना थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी चाहिए। आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई डेकोरेशन के साथ फिर हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।